चिल्ड्रेन, आई एम योर आर्ट टीचर सचिस स्मिता। आज हम बनाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग सा क्राफ्ट वर्क, जो कि दिखेगी ऐसे। जो पेपर में दिख रहा है आपको, इसके लिए हमें चाहिए होगा मटेरियल वाइट पेपर, जो सिंपल स्केच बुक में होती है वाइट पेपर, वाटर कलर और ऑयल पेस्टल कलर एंड सीजर। ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए हमें फ्लो करने के लिए जो वाटर कलर को, वो है स्ट्रॉ। अगर स्ट्रॉ नहीं होगा तो हम ऐसे खाली माउथ से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम बनाते हैं इतना इंटरेस्टिंग सा क्राफ्ट। ओके, ये बलून मैन क्राफ्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सिंपल ऐसा एक पेपर, जो हमारे स्केच बुक में पेपर होती है वाइट पेपर, सिंपल वाइट पेपर। और हमें चाहिए होगा स्ट्रॉ। स्ट्रॉ की मदद से हम ये जो पैटर्न बनाए हैं वाटर कलर से, ये बनाएंगे हम। और इसको कट करने के लिए हमें चाहिए होगा सीजर, और इसको ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए पेंसिल एंड इरेजर, और इसको पेस्टिंग करने के लिए हमें चाहिए फेविकॉल। और हम ये जो बैकग्राउंड में लगी है कलर्स, ये ऑयल पेस्टल कलर है। और वाटर कलर फ्लो करने के लिए मेरे पास जैसे गुआश कलर है और वाटर कलर है। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर या वाटर कलर या पोस्टर कलर, कोई भी कलर हो तो आप यूज कर सकते हैं ये पैटर्न बनाने के लिए। वाटरी फॉर्म में आपको कलर्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कलर नहीं है और घर में कोई लिक्विड इंक है तो आप इंक को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंक नहीं है, कलर्स भी नहीं है, तो आप हल्दी को भी आप वाटरी फॉर्म में करके इसको फ्लो करके बना सकते हैं। और अगर आप हल्दी करेंगे तो येलो कलर होगा, और अगर ये येलो कलर के बलून्स हो जाएंगे तो हमें बैकग्राउंड को ब्लू कलर में करना पड़ेगा, जिससे डार्क ब्लू, फिर लाइट, फिर लाइट। ये वाइट यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा वाइट लाइट ब्लू हमारे पास नहीं है, ओनली लाइट ब्लू है और डार्क ब्लू है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला कलर रेड लगा हुआ है वहाँ पे डार्क ब्लू लगाएंगे, और यहाँ पे लाइट ब्लू लगाएंगे, और यहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे। तीनों कलर को मिक्स करेंगे अगर आप हल्दी में कर रहे हैं। अगर आपके पास वाटर कलर है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलते हैं, हम बनाना शुरू करते हैं। अभी ये जो वाटर कलर का टेक्सचर है, ये बनाने के लिए मेरे पास पैलेट में है ब्लू कलर और ब्रश है, तो मैं इसमें पानी लूँगी और ब्लू कलर को वाटरी करूँगी। थोड़ा सा पानी करेंगे तब भी वो अच्छे से फ्लो हो पाएगा। हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से कलर को। और पानी लेना है और हम उसको यहाँ पेपर के ऊपर ऐसे एक जगह पे वाटर जैसे रहता है वैसे रख लेंगे। जैसे हम फ्लो करेंगे स्ट्रॉ की मदद से तो वो अच्छे से फ्लो हो जाएगा। अभी हमने डार्क ब्लू का किया, तो जब डार्क ब्लू हो जाएगी ख़त्म तब हम लाइट ब्लू पे जाएंगे। ये हमने किया, अब हम ये स्ट्रॉ की मदद से इसको फ्लो करेंगे, माउथ से इसको फ्लो करेंगे। अब ऐसे करके हर जगह पूरा जो पेपर है इसको फिलअप करना है, जिससे हमें टेक्सचर वाले पेपर मिल जाएंगे। अब थोड़ा लाइट ब्लू भी मैं मिक्स करूँगी, यहाँ पे लाइट ब्लू भी लिया हुआ है। आप चाहें तो एक कलर सिंगल कलर में भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास लाइट ब्लू भी है और डार्क ब्लू भी है तो आप दोनों कलर का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दोनों कलर होने से थोड़ा सा कलर वेराइटी मिलती है और आपकी पेंटिंग अच्छी लगेगी। तो आपने थोड़ा पानी किया है, अब जो खाली स्पेस है वहाँ पे भी हम थोड़ा सा भर देंगे,
और फिर फ्लो करेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप फ्लो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है आप लोगों को वाटर कलर बहुत पसंद है करना, तो हम इसी बहाने ये क्राफ्ट करने के चक्कर में हमें वाटर कलर भी करने के लिए मिल जाएगा चांस। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग से टेक्सचर्स बन रहे हैं। तो हम इसको अब सूखने के लिए दे देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम उसको पेंसिल से राउंड राउंड ड्राइंग करेंगे, छोटे छोटे बलून के आकार में जैसे इसमें हुआ है वैसे ही ड्रॉ करेंगे, फिर उसको कट करेंगे। अब हम बनाते हैं इसकी जो बैकग्राउंड है रेड ऑरेंज येलो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रेड से। यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे हल्का सा जिसमें पता चलेगा कि हमें रेड कहाँ तक करनी है। आप कोशिश करेंगे कि कलरिंग बहुत डार्क से हो और अच्छे से कलरिंग कर लें जिससे आपकी पेपर अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप हल्का हल्का धीरे धीरे बार बार उसको कलर को चलाएंगे तो अपने आप ही वो डार्क हो जाएगा। अब हमारा रेड कलर फिनिश हो गया। रेड कलर जब फिनिश हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर लेंगे और नेक्स्ट फिर से ऑरेंज, फिर इसको यहाँ तक मार्क दे देंगे, फिर ऑरेंज कलर करेंगे। अगर आपको कलर डार्क करना होता है तो आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक जगह पे आप बार बार घिसते रहेंगे कलर को तो वो अपने आप ही डार्क हो जाती है। तो आप पेशेंस रखिए और आप उसको लगाते रहिए बार बार, जिससे आपकी कलर अपने आप ही डार्क हो जाएगी और कलर में ब्राइटनेस आएगी, ब्राइट दिखेगी आपकी कलर। और थोड़ा सा मिक्स करने के लिए ऑरेंज एंड रेड हम रेड के ऊपर भी चला लेंगे जिससे हमारी जो रेड है ऑरेंज के साथ मिक्स हो जाएगी। अब हम लगाएंगे येलो कलर। हमें अच्छे से येलो कलर भी लगा लेनी है। सेम वैसे जैसे हमने ऑरेंज को रेड पे चढ़ाया था वैसे ही येलो कलर को भी ऑरेंज के ऊपर लगाएंगे। ये हमारी येलो कलर फिनिश हो गया। अब हम थोड़ा सा ऑरेंज यहाँ पे कटिंग कट जैसे लग रहा है उसको मिक्स करने के लिए, मर्ज करने के लिए हमें ऑरेंज कलर को और एक बार येलो के ऊपर ऐसे मिक्स कर देना है हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, हल्का हल्का ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे येलो के साथ जिससे वो मर्ज हो जाएगा अच्छे से। अभी हमारा फिनिश हो गया कलरिंग। और जो हमारी जो पेपर है, हमारी जो पेपर हमने ड्रॉ कर कलर फ्लो करके रखा था उसको हम कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने ड्राई के बाद इसको कटिंग कर लिया था, इसको हम प्लेसिंग कर प्लेस करेंगे जगह पे। ड्राई के लिए
रखे हुए थे हमने, वो पेपर ड्राई होने के बाद हमने उसको कटिंग कर दिया छोटे छोटे राउंड पीस में। अब ये कटिंग हो गया है, अब हम इस पर ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर से। जो ये मैन है, ये मैन को हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ब्लैक कलर से हम ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल, और एक इधर से उल्टा ट्रायंगल, और एक सर्कल हेड के लिए हम बना लेंगे, एंड टू लाइन फॉर लेग्स। हैंड में उसके बलून्स हैं और एक हैंड कमर पे है, और यहाँ से खूब सारे लाइंस बनेंगे जिससे बलून्स हो जाएगा उसमें। ऐसे ऐसे हम ब्लैक कलर से खूब सारे लाइंस बना लेंगे। ये लाइंस बनने के बाद हम इसको बलून्स को प्लेस करेंगे इसके ऊपर ऐसे, और इसमें फेविकॉल लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। इसे हम इसको पेस्ट कर देंगे जिससे हमारी बलून्स सारे लग जाएगी। अब इस सबको पेपर को हम फेविकॉल के साथ पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जो पैर के पास इसके बेच देना पड़ेगा, और उसके लिए हम छोटे छोटे डार्क ब्लैक कलर से ग्रास जैसे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ग्राउंड जैसे लगेगा, ग्राउंड मिल जाएगा पेंटिंग को। अब आपकी ये क्राफ्ट कंप्लीट हो गया। अब आपकी क्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद कैसे लगती है, ऐसे लगेगी। मुझे लगता है आप लोगों को सबको बनाने में बहुत मज़ा आया होगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय।